हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अलवेज न्यू मूवी अपडेट्स। आसिम रियाज, आसिम रियाज बिज़ी है अपने करियर में, आसिम रियाज बिज़ी है अपने फैंस बनाने के लिए, आसिम रियाज बिज़ी है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। लेकिन कुछ लोग जिन्हें कुछ काम नहीं होता, वो हमेशा ही आसिम के पीछे पड़े होते हैं, चाहे कुछ ही ले लो। हमें पता है कि बिग बॉस 13 में जिस तरह से आसिम ने खेला था, जिस तरह से सिद्धार्थ ने खेला था, कुछ लोग अभी भी वैसे ही हैं जो कि कहीं ना कहीं आसिम को अननेसेसरी जो है टारगेट किए जा रहे हैं। आसिम बिग बॉस 14 में है भी नहीं, लेकिन फिर भी कुछ लोग रहते हैं, होते हैं घर से बाहर, जो कि ज़बरदस्ती फेमस होने के लिए किसी एक फेमस सेलिब्रिटी को, फेमस कंटेस्टेंट को वो पोक करते रहते हैं। वैसे हमें देखने को मिला कि कश्मीरा ने कुछ दिनों पहले किया था, जहाँ पर उन्होंने ट्वीट किया था एक, और उस ट्वीट को लेकर के काफ़ी बवाल भी हुआ था। जी हाँ दोस्तों, आसिम रियाज के फैंस ने यह भी कहा था कि भाई अब बिग बॉस 14 है, बिग बॉस 13 में आप क्यों आसिम रियाज को इसके बीच ला रहे हो। लेकिन उन्होंने क्या कहा था और किसने इस बार जो है उसका जवाब दिया है, चलिए बात करते हैं। उन्होंने कहा था कि भाई एजाज खान मुझे इरिटेटिंग लगते हैं, पोक करते रहते हैं, जिस तरह से बिग बॉस 13 में जो है आसिम रियाज पोक करते थे, और जो है बिग बॉस 13 में लड़ाई होती थी, बस आसिम रियाज की कुछ गेम नहीं थी, सिर्फ एक ही गेम थी, पोक करना और चिल्लाना। ये कुछ बातें उन्होंने कही थी। ऑफकोर्स ये उन्होंने बातें कही थी सिद्धार्थ के लिए, कि सिद्धार्थ को जो है आसिम रियाज पोक करते रहते थे। वहीं इसी का रिप्लाई दिया है आसिम की लेडी लव। जी हाँ दोस्तों, लव लेडी ने, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ हिमांशी खुराना ने, हिमांशी खुराना ने जमकर लताड़ लगाई है। लताड़ आप कह सकते हैं कि एक ऐसा जवाब दिया है कि वो भी सुनकर चौंक जाएगी। उन्होंने लिखा है कि मतलब आप एग्री करते हैं, सब आसिम बनना की कोशिश करना कर रहे हैं, थैंक यू। यानी कि उन्होंने साफ साफ कह दिया, अगर आप यही बात मानते हैं कि वो कॉपी कर रहा है, वो कॉपी कर रहा है, तो यहाँ पे वो कहती है कि मतलब आप ये भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं आसिम इतने काबिल है, इतने फेमस है और लोग उन्हें इतना पसंद करते हैं कि सभी के सभी जो है आसिम रियाज को कहीं ना कहीं कॉपी करना चाहते हैं। वेल, मुझे तो ये रिप्लाई बहुत ज़बरदस्त लगा। आपको क्या है कहना, कमेंट बॉक्स में लिखे, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।